पीछे आ जाओ ना। क्या बोलते हैं लकी 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 नारियल आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप छोटा शिमला की देख रहे हैं, जहाँ पर आज राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हिमाचल प्रदेश की शाखा के बैनर तले जो दृष्टिहीन हैं वो पहुँचे हैं बैकलॉग भर्तियों को लेकर। साफ तौर पर इनका कहना है कि लंबे अरसे से सरकार जो है वो भर्तियां नहीं कर रही है जिस रफ्तार से भर्तियां होनी चाहिए। हर महीने एक दो लोगों की भर्ती हो रही है, जबकि जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हैं। रिक्त पद जो हैं काफ़ी प्रदेश में विभिन्न विभागों में चल रहे हैं, सरकार इनको भर नहीं रही है। कई बार जो है मुख्यमंत्री से इन्होंने आग्रह किया, मंत्रियों से आग्रह किया, लेकिन फिर भी अभी तक जो है सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और इसी के चलते ये फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कल से ये इनका आंदोलन शुरू हो गया था सरकार के खिलाफ, और आज ये सचिवालय मार्च इन्होंने किया है। सचिवालय के बाहर ये पहुंचे हैं यहाँ पर, और ताकि सरकार थोड़ा जागे और इनकी जो डिमांड्स है विभिन्न भागों में जो इनके कोटे के पद खाली पड़े हैं उनको सरकार जल्द से जल्द भरे। भाई ये फोटो खींचना, उस साइड को आ जाओ। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। अरे कल्याण जी बाइट बाइट गुड़िया को छोड़ के आ जाएंगे आप रात 1:00 बजे। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। साथियों आप जानते हैं हम बेरोजगार साथियों के लिए जो उनका बैकलॉग 31 दिसंबर तक भरा जाना है, इसमें जो खामी है जो त्रुटियां है, हम चाहते हैं कि बैकलॉग को भर्ती मेले के माध्यम से भरा जाए, ना कि एक एक दो चार चार पोस्टें सरकार जो निकाल रही है वो प्रोसेस सरकार का ठीक नहीं है। साथियों आप सभी जानते जा रहे हैं एजुकेशन विभाग में भी पोस्टें आई है, 90 पोस्टें है, पर सभी जितना भी हमारा बैकलॉग है वो एकत्रित करके उसको एक पोस्ट बैकलॉग भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा तो उसको बहुत बहुत फायदा होगा। इसी के लिए आज आप लोग कहते हैं वो भी आपका साथ देते हैं, हमारे आपका पूरा साथ देते और आपको पहुँच चुके हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की आयु है 4 नवंबर 2019 को 60 से 90 के बीच, जबकि वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है इसी सरकार का 2013 में डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट कर्मचारियों को रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि की। ये अब हमारा गौरव होगी हमारे भारत सरकार से किया जाए। और जिन साथियों की
और 35 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग हैं हमारे मेरे पास देना है नारे लगा दो साइड को घूम जाओ जी। एक मिनट ऊपर कर दो योगराज जी, नाम बता दो जी पहले तो, नाम और डेजिग्नेशन लिया। एक मिनट शुरू करो। हाँ नाम बता दो, नाम बताएंगे। हाँ बता दो जी नाम। मैं मुकेश कुमार, सचिव नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड हिमाचल ब्रांच। आज सचिवालय घेराव कर रहे हैं आप, किन डिमांड्स को लेकर सचिवालय घेराव करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? हमारी सर 3 अप्रैल को हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप से हम मुख्य सचिव की बात और अन्य डिपार्टमेंट की सचिवों की बात करवाएंगे। परंतु अभी जो कैबिनेट जो हुई थी उसमें जो हमारा बैकलॉग था उसको भरने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, पर उसमें कुछ त्रुटियां कुछ उसमें उन त्रुटियों के कारण जो हम चाहते हैं कि एक तो जैसे 2008 में भर्ती मेरा लगा था उस तर्ज पर सोशल वेलफेयर डायरेक्टर उसके चेयरमैन होकर बने और भर्ती मेले में सभी को इकट्ठा ही नौकरी दी जाए। 35 साल से जो ज़्यादा अधिक के जो ब्लाइंड हैं उनको नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, उसमें कहा था कि जो 35 साल से ऊपर के लोगों को शिक्षा में छूट दी जाएगी वो भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रही है, और फिर जो हमारे रोजगार साथी हैं उनकी एक डिमांड है कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि दृष्टिबाधित जो एम्प्लॉइज हैं उनको उनकी उम्र रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की जाएगी, और 2019 में जयराम सरकार ने उसको वापस ले लिया और फिर से उसको 58 साल कर दिया। तो हमारी डिमांड है कि जो 60 साल की जो रिटायरमेंट एज की थी उसको निश्चित भारत से लागू किया जाए। कितने लोग हैं अभी जो बेरोजगार हैं? हमारे पास 60-70 लोग बेरोजगार हैं। ठीक, अब क्या है अगर आज सचिवालय घेराव करने पहुंचे हैं तो आगे क्या रहेगा और आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा रहे? अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, अनिश्चित लोग हमारे जो बेरोजगार साथी है वो अनिश्चितकालीन बैठेंगे, 2-3 साल जितना चलेगा हमारा डिमांड जो पूरी नहीं हुई। सचिवालय के बाहर ही बैठेंगे, कहीं रोज सचिवालय के पास आएंगे वो। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये दृष्टिहीन संघ हिमाचल प्रदेश है, तो इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं इनका आंदोलन जारी रहेगा, और आज सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं, आने वाले दिनों में भी लगातार जो आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और सचिवालय का हवा जो है वो करते रहेंगे।